ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। कोविड 19 की पाबंदियों के बीच वर्ष 2021 की विदाई और नूतन वर्ष 2022 के आगमन का जश्न शुक्रवार रात जगह जगह धूमधाम से मनाया गया। युवाओं ने नए साल को यादगार बनाने के लिए तरह तरह के आयोजन किए। शहर के विभिन्न रेस्टोरेंट्स में परिवार सहित भोज का आयोजन किया गया। रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट में भीड़ रही। पुलिस ने हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए जगह जगह मोर्चा संभाला। शाम से देर रात तक पुलिस जवानों के साथ अधिकारियों ने हर गतिविधि पर नजर रखी। नशा कर सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने वाहन चालकों को रोक कर चेकिंग भी की। नए साल को लेकर हर वर्ग में उत्साह देखने को मिला। युवाओं की टोलियां सुबह से नए साल के जश्न को यादगार बनाने में जुटी रही। सुबह से शहर के आस्था हृदय स्थल माँ कालिका माता मंदिर में भक्तों की भीड़ रही। भक्तों ने माता रानी के दरबार में मत्था टेक कर सुख समृद्धि की कामना की। साल 2022 के पहले दिन शहर में शहनाई गूंज उठी। शहर में सामूहिक विवाह का बड़ा आयोजन किया गया। नए साल में नए जीवन की शुरुआत करते हुए एक और कदम बढ़ाते हुए भारतीय संविधान समर्थक मूल निवासी सभी समाज द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। सुबह अंबेडकर सर्किल से सामूहिक विवाह आयोजन की बारात निकाली गई। सामूहिक विवाह में 51 जोड़ों को परिणय बंधन के पवित्र रिश्तों की डोर से बांधा गया। बारात में दूल्हे घोड़ी और दुल्हन बग्घी में सवार होकर शरीक हुए। एक तरफ जिला प्रशासन कोरोना गाइडलाइन के तहत पाबंदी कर नियम का पालन करवा रहा है, दूसरी तरफ शहर में होने वाले बड़े आयोजन में गाइडलाइन का पालन नहीं होना सवाल ही खड़े कर रहा है। जिले में 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन किए जाने के संबंध में जिला टास्क फोर्स की बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई। बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने निर्देशित किया कि सभी विकास खंडों में एक साथ वैक्सीनेशन किया जाए। रतलाम जिले के शाला त्यागी अथवा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को भी 100% व्यक्ति निश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा, टीकाकरण वाले दिन बच्चों की उपस्थिति 100% रखना निर्धारित किया जाए तथा इसकी पूर्व सूचना विद्यार्थियों को दी जाए ताकि सभी बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर ननावरे ने बताया कि 1 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2007 के मध्य जन्म लेने वाले बच्चों को अपने स्कूल में टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण के लिए स्कूल में टीकाकरण कक्ष, पंजीयन कक्ष तथा निगरानी कक्ष की आवश्यकता होगी। जिला शिक्षा अधिकारी केसी शर्मा ने बताया, शिक्षा विभाग से जिले के स्कूलों में अध्ययनरत लक्षित आयु वर्ग के बच्चों की संख्या संबंधित सूची स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाएगी। बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी की जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी केसी शर्मा ने बताया, वैक्सीन आ गई है सर, वैक्सीन की क्या तैयारी रहेगी, बच्चों को कब तक वैक्सीन होनी चाहिए? दिनांक 3 तारीख से 15 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, जो अधिकांशतः कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक अध्ययनरत हैं, उन बच्चों को 3 तारीख से 3 जनवरी 2022 से जो है वैक्सीन लगना प्रारंभ हो रही है। उसके लिए हमने पूरा प्रोग्राम बना लिया है। आज भी जो है CMHO साहब और जिला शिक्षा अधिकारी की, समस्त जिले के जिला शिक्षा अधिकारी और CMHO की बैठक थी। VC के माध्यम से जो है इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और परसों के दिन भी जो है CM साहब के द्वारा इंस्ट्रक्शंस थे और कल कलेक्टर साहब ने भी जो है सभी BOs और BMOs और स्वास्थ्य का अमला और शिक्षा विभाग के अमले के साथ बैठक आयोजित की है और कल शनिवार को जो है सभी संकुल प्राचार्यों के एवं अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को बुलाया जा रहा है, जिससे कि 3 तारीख की में से जब जहाँ से बच्चों का वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा वो बहुत ही शीघ्रता के साथ में और जल्दी जल्दी हम जो है इस काम को पूर्ण कर सकें, समय पर पूर्ण कर सकें, ये हमारे तरफ से जिले का प्रयास है। सर, बच्चों को स्कूल के अंदर ही वैक्सीन लगाई जाएगी या? स्कूल में ही वैक्सीनेशन सेंटर रहेगा, बच्चों को स्कूल से कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सर, अभी तक कितने बच्चों को, मतलब जो लक्ष्य पहले प्रथम दृष्टया, मतलब कितने लोगों को लगाई जाएगी? लगभग जो हमारे पास में आंकड़ा है
वो है लगभग 75,500 के लगभग बच्चे हैं जिनको कि वैक्सीन लगाया जाना है। तो प्राइवेट स्कूल में भी एक साथ लगेगी? हाँ, प्राइवेट स्कूलों में लगेगी और शासकीय स्कूलों में भी लगेगी। नए साल के पहले दिन सुबह शहर में चाकूबाजी की वारदात हो गई। वारदात में एक युवक घायल हुआ। खबर के मुताबिक मिड टाउन में आपसी विवाद में आरोपी सौरभ मराठा ने जलज गोस्वामी पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। जलज को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। मामले की जानकारी देते हुए घायल के पिता ब्रज बिहारी गोस्वामी ने बताया। ब्रज बिहारी गोस्वामी, ये इनके आपसी कुछ विवाद थे, सौरभ मराठा करके लड़का है जो वो भी मिड टाउन में ही रहते हैं। तो वो सुबह आया, एक बार पहले आके उससे बात करके चला गया। उसके बाद फिर दोनों भाई आए तो एक भाई उसको लेके चला गया, एक भाई मेरे पास रुका, मेरे से बात करी। उसके बाद में उसके हम घर चला गया। थोड़ी देर हुई तो मैंने सोचा कि क्या हो गया, मैं जाऊँ उसके घर। मैं उसके घर पे गया तो मेरे सामने वो लड़का उसको एक कमरे में बंद करके रखा था और उसको मार रहा था कि तूने ऐसा क्यों किया। तो मैं पूछ रहा हूँ तो मेरे को कुछ बता नहीं रहा है कि क्या हुआ। और इतने में मैंने बोला कि ठीक है, उसने मार दिया, चलो कोई बात नहीं, मैं उसको लेके जैसे घर निकल रहा था, इतने में वो पीछे अंदर दूसरे कमरे में गया और वहाँ से चाकू लेके आया और उसने सीधे उसको चाकू मारा। चाकू मारने के बाद उसके बड़े भाई ने फटाफट उठाया और उसका बड़ा भाई प्रतीक मराठा, वो और मैं, वो अपनी गाड़ी पे मेरे को यहाँ हॉस्पिटल में लेके आया, मेरे को और मेरे बच्चे को। किसको मारा चाकू, क्या नाम? मेरा लड़का है जलज गोस्वामी। इस मामले में पुलिस ने बताया। क्या मामला सामने आया? ये ब्रजमोहन बिहारी जी के लड़के हैं जलज और सौरभ है, इनके बीच में कोई सौरभ मराठा है, तो इसने जो है मिड टाउन कॉलोनी में चाकू से जलज के साथ मारपीट करी है और इनके कोई विवाद बता रहे हैं, आपसी का विवाद है। ये है ACN डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम।